हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जैसे पिछली वीडियो में कुछ गुड न्यूज़ आपको बताई कि जैसे गुजरात स्टेट में ओनली 8 लाख जो इनकम है पर एनम, उसके नीचे वालों को EWS कोटा के अंदर शामिल किया जा रहा है। और उसके अलावा जो बाकी की कंडीशंस थी, जैसे एग्रीकल्चर लैंड और जो फ्लैट है जिसमें रहते हैं उसका स्क्वायर फुट, उसको कंसीडर नहीं करा गया। खाली एक ही कंडीशन को माना गया कि जिसकी भी 8 लाख से नीचे इनकम है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसी के चलते गुजरात से जैसी खुशखबरी आई, उसी के बाद एक न्यूज़ और आई है जो कि थोड़ी अपसेट करने वाली हो सकती है किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उसने 10% जो EWS कोटा था, सरकार ने बोलता कि इसी साल से अप्लाई करना है, उन्होंने इस साल से तो अप्लाई करा, बट ओनली 5% उन्होंने जो 10% था उसको दो भागों में बांट दिया। 5% वहाँ की एक स्पेश उनकी एक कम्युनिटी है कापूस करके, तो उनको 5% उनको रिजर्वेशन मिलेगा और 5% मिलेगा EWS को। तो इससे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें सब में नाराज़गी है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल इसमें लिखा क्या है। The Andhra Pradesh government has announced it will give only 5% reservation to the economically weaker section under the center's 10% quota, setting aside the rest to the upper caste kapus. तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको पूरा पहले आर्टिकल पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। मैं समराइज़ करके बताता हूँ। चलो आपको मैं आपको बता दूँ कि वहाँ की एक कम्युनिटी है कापू करके, और उन्हें कापूस बोलते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से उसको जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस करा था कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, हम आपको बैकवर्ड कास्ट के अंदर रख के आपको रिजर्वेशन दिलाएंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद जो उनके चीफ मिनिस्टर है एन चंद्र बाबू नायडू, उन्होंने अनाउंसमेंट करी ट्यूसडे को कि 5% रिजर्व जो 10% जनरल रिजर्वेशन कोटा है उसमें से 5% हम कापूस को देंगे और 5% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो जो जनरल के लिए जनरल रिजर्वेशन कोटा था 10%, उनको उनका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आंध्र प्रदेश में। तो हुआ ये था कि 2014 के इलेक्शंस में द तेलुगु देसम पार्टी अहेड ऑफ द 2014 इलेक्शंस प्रॉमिस टू इंक्लूड द कापू कम्युनिटी इन द बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट एंड एक्सटेंड 5% रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑन दिसंबर 2017 द स्टेट गवर्नमेंट हैड मूव्ड अ बिल इन द असेंबली सीकिंग टू प्रोवाइड 5% रिजर्वेशन टू कापूस इंक्लूडिंग द 3 सबकास्टेस। तो 2014 के इलेक्शन में द तेलुगु देसम पार्टी ने प्रॉमिस करा था कापूस को कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, बट वो दे ही नहीं पाए। तो इस बार उन्होंने जो 10% रिजर्वेशन था उसी में से 5% बांट दिया है। तो गाइस, ये जो आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी थोड़ी अपसेट करने वाली उनके लिए न्यूज़ हो सकती है, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनको मिला नहीं पूरा बेनिफिट। और सरकार का भी थोड़ा बहुत ये थोड़ा छात्रों में विरोध है, क्योंकि पहले वो बैकवर्ड क्लासेस में उन्हें शिफ्ट कर रहा था, मूव कर रहा था कापूस को, बट अभी उन्होंने इसमें रिजर्वेशन देखा तो उनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया और 5% आधा आधा बांट दिया गया। तो गाइस, अभी इस न्यूज़ में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी कोई लेटेस्ट ऐसी अपडेट आती रहे तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।